तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और कैसी है जनता? ठीक ठाक चंगी वाली, मेरे को लगता है सब मस्ती होंगे। और आज के सीन पानी ऐसे हैं, आज मौसम थोड़ा देखो आपको दिख रहा होगा ख़राब है। और अभी एक लेवल हो गया कि मम्मी यहाँ पे खड़े थे किचन में और मम्मी बोलते बस आनी है लेट, और बस 5 मिनट एडवांस ही निकल गए और मम्मी भाग गए लेकिन वो चले गए बस वाले। तो अभी पापा छोड़ने गए हैं मम्मी को, और सुबह आई मम्मी को थोड़ी थोड़ी पापा से डांट पड़ गई कि सड़क पे यहाँ पे खड़े होते थे ऐसे बस अंदर ही गए थे। तो अभी हम जा रहे हैं, आज जाने का तो मेरा मन नहीं कर रहा लेकिन क्या करे, जाना तो पड़ेगा ही। मेरे को जाना पड़ेगा। तो अभी निकलते हैं और मिलते हैं अपने फ्रेंड से, वेट कर रहे हैं जो बोल रहे हैं हिमाचली में चाय नहीं पीते हैं। भाई हिमाचल में सबसे ज्यादा चाय पी जाती है, बता आपको, बताओ अपनी शक्ल बताओ, आप क्यों छुपा रहे हो? आप भाई इसका नाम क्या है ऐसे, क्या क्या नाम है भाई आपका? नाम चिप्पी भाई है भाई, बंदा बोल रहे चाय के ऊपर बोल रहे, चाय कौन पीता है आजकल के जमाने में? बुड्ढो वाली सोच रखी है इसने भाई। भाई आपको मतलब गुस्सा आया ना इस बात पे, बुड्ढो वाली सोच पे भाई। हिमाचली है तू, एक हिमाचली को गुस्सा आया तो हम सभी हिमाचली यूनियन बनाएंगे, कोई सेंस है इस बात की? हम धरने पे बैठेंगे। मौसम बारिश का ना, और बंदों ने आज ना चाय का प्लान बना लिया यहाँ पे, और चाय और पकौड़े आ रहे हैं अपने, तो अभी हमने ऑर्डर कर दिया वहाँ पे चाय और पकौड़े। इसी नया बंदा है, न्यू ब्लॉगिंग चैनल है इसका, और अभी हम बस वेट कर रहे हैं चाय वगैरह का। और 6 चाय कर दिए भाई, हमारा चाय नहीं पीता है इसके लिए हमने पकौड़े मंगा दिए स्पेशल। पकौड़े खाओगे भाई आप? प्रो लेवल प्रो। तो दोस्तों फाइनली अपने पकोड़ा पार्टी चली हुई है यहाँ पे, सारे फुल पावर पकोड़े खा रहे हैं, और अभी हमारी चाय आ चुकी है। और भाई प्रो प्लेयर पबजी के, बस इनको पबजी से मतलब है, फ्री फायर से मतलब है दुनिया में, और किसी चीज से मतलब नहीं है। पकोड़े भी नहीं खा रहे भाई ये तो। तो अभी हम पीते हैं चाय वगैरह, पकोड़े छोड़े खाते हैं, फिर आगे के सीन बनी आपको बताते हैं। निकलो भाई, निकलो, हो गया काम, अब पहली फुर्सत में निकल, हो गया भाई, हो गया भाई, भाई टाटा, सी यू भेज देंगे भाई। तो हमने पूरे 3 घंटे खराब किए आज, सक्सेसफुली खराब किए हमने भाई। आप बोलना चाहोगे कुछ इस बात पे? आज पूरे सक्सेसफुली हमने 3 घंटे खराब कर दिए हैं, और अभी भी हमारा मन नहीं भर रहा है कांगड़ा में घूमने से। क्या बस स्टैंड के अंदर ही गाड़ियाँ मोड़ी जा रही हैं भाई जी, आ जाओ जल्दी। तो ऐसे सीन पानी है कि यार अधिक कभी कभी चिल फन हो जाए तो ठीक रहता है। और हेल्प किया थोड़ी सी, गाड़ी रिवर्स करवाई, और वो भाई निकल गए हैं, उनकी हेल्प करी, क्योंकि दोस्तों मन की कभी किसी को भी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। और जैसे अपना है, अरे भाई आराम से, तो अभी जैसे अपना भी, जब मैं भी सीखता था गाड़ी तो मुझे भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी रिवर्स करते टाइम। तो अब तो मतलब कि 5-6-7 साल हो गए मेरे को चलाते हुए, तो अभी ऐसे कि हम अपनी बस के लिए वेट कर रहे हैं, निकलते हैं अब फिर, तो बताते हैं आपको आगे किसी ने पानी। और यार बारिश हुई है, अभी हम निकल चुके हैं कांगड़ा से। हेलो गाइस, वेलकम टू कपलू ब्लॉगर। अब तुम लोग कुछ और कपलू भाई के द्वारे वासी बाय 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 भाई, आइए आ रहे हो सारे, आइए ना भैया, बस अपनी है शरीर रे ये क्या है? ओ इधर बाबू का आ गया है, गुरुवचन सिंह, गुरुवचन मेरी बात से मेरे घर में ट्रैक का गुरुवचन भी आई है ट्रैक का भाई मेरा। दोस्तों इधर ये देखो काम चला हुआ है यहाँ पे भी, 4 लेन का काम फुल स्पीड पे जोरों शोरों पे है, देख सकते हो आप। और ये सारा कुछ उजड़ गया है, घर घर आपको सामने दिख रहे होंगे, सब कुछ तहस नहस हो चुका हुआ है और चला हुआ है काम। बट नुकसान ही है हिमाचल का, यहाँ पे आई थिंक फ्लाईओवर बनना है ना एक, तो उसका भी काम लग पड़ा हुआ है, तो अभी चला हुआ है काम। तो आपके ये सीन बने आपको कहते हैं, और हम भी रानीताल पहुँच गए बस के लिए खड़े हुए हैं। तो ये जगह दिख रही है, ये जो है इधर भी देखो, यहाँ पे घर होते थे, ये भी उखड़ जाने सारा, ये जो सामने ये भी जाले हुए हैं,
काम चला हुआ हर जगह, ऐसा कुछ सीन पानी मिस करके आ चुके हुए हैं। बस में आए भाई, आप मेरे सामने बस से उतरे हो। ये तो अगले अग्निवीर। तो ये अपना यहाँ पे डंगा लग चुका हुआ है और ये अपनी खिड़कियाँ भी रेडी हो चुकी हैं, थोड़े टाइम में खिड़कियाँ भी रेडी हो जाएंगी। और ऐसे ही काम चला हुआ है, फुल पावर खींच के काम चला हुआ है। और ये पेंट भी हो चुका है घर अपना, पेंट पुट्टी लगी हुई है और ये भैया लगे हुए हैं पुट्टी पे। और ये एक अपना किचन भी प्लास्टर हो गया हुआ है। और अभी ऐसी सीन पानी है कि ये जैसे यहाँ पे भी प्लास्टर हो चुका है। और देखो ये थोड़ा पैच वर्क क्या किया ना, ये भी हो चुका है कंप्लीट। और ये भैया लगे हुए हैं और ये देखो ये बाहर दीवार लगवाई है अभी, ये देखो दीवार लगवा दी है, ये भी डन हो चुका है काम। अब हम मैक्सिमम अपने घर का दोस्तों अप्रोक्स, ये देखो पुट्टी वगैरह ऐसे लग रहा है। और ये थोड़ा आपके भाई का कमरा है, बट अभी मैं सेटअप पे थोड़ा कमरा, ये मेरा कमरा आपको ऐसे दिखेगा, आप सारी जगह सामान सामान पड़ा हुआ है, घर का काम चला हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्क चली हुई है आपको पता ही है। और मतलब कि ठीक है फैसिलिटी, मतलब कि इसके ध्यान मत करना इतना गंदा, तो तरह थे हमारे कमरे लड़कों के। तो ये लगे हुए भैया काम पे, उन्होंने भी कर दिया डन। और ये ना अंकल ने फुल पावर काम खींचा हुआ है। फाइनली हमारे जहाँ पे मिरर लगने ना वो खिड़की हो चुकी है एक रेडी, तो अंकल ने कर दी रेडी। अभी इसको सूखने के लिए रखा हुआ है और वो है अपने जाली वाले ग्लेज, ये गली सॉरी जाली वाली खिड़कियाँ, ये रेडी हो चुकी है और अंकल लगे हुए डिज़ाइन के लिए। और ये अपनी स्टील पड़ी हुई सामने, और आपको बताते हैं ऐसी सीन पानी है। और अभी तो हाफ टाइम हो रहा है, बट अंकल जितने हैं कि अंकल जी खाना नहीं खाते हमारे, भूख नहीं लगती अंकल जी को, और सारे खाना खा रहे हैं। तो अभी ऐसी अभी सीन पानी, अब तो कंप्लीट होता हुआ है घर का काम, तो बस चलते। वो ब्रूनो बैठा हुआ है शांत से। तो फाइनली अपने घर का 80% काम फिनिश हो चुका हुआ है, तो रह गया 20-30% रह गया हुआ है, और 20-30% रह गया हुआ तो वो भी हो जाएगा। लेकिन उससे बड़ी अपडेट आपके लिए थी कि अगर मतलब जैसे अभी आपको बताया था अपनी बिल्लों की भी स्टार्टिंग फ्रंट की बीडिंग टूट गई हुई है, तो वो भी डलवानी है, तो मैं लेके आया हुआ हूँ। अगर मतलब छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करवानी है, अगर आपको भी अच्छी लगती हैं तो आप भी चाहते हो कि अगर उसमें मॉडिफिकेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें। और अगर अभी काम चला हुआ थोड़ी नॉइस आ रही होगी आपको ना, उसका इशू मत बना, इशू मत भी समझना, मतलब थोड़ी बहुत नॉइस आएगी काम चला हुआ साथ साथ में, तो मैं भी हर वाला वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो अगर मतलब कि जैसे हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन मैं सोच रहा हूँ मैं भी उसमें करवाऊँ, तो उसको देखते हैं, क्योंकि एक दो काम है मेरे को मॉडिफिकेशन के, लाइटिंग का भी है और टायर भी डलवाने हैं, और फ्रंट बम फ्रंट का वो है फ्रंट की फ्रंट का भी है, और हाँ टायरों को भी कुछ ना कुछ होगा, तो जल्दी मॉडिफिकेशन आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कमेंट करोगे ना आपकी मतलब कि एक भी कमेंट आ गया मेरे को मॉडिफिकेशन के लिए, तो मैं करवाऊँगा। और जल्दी जल्दी अगर 500 कर दो सब्सक्राइबर, अगर 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं पूरे तो हम फ्रंट वीडिंग डलवा लेंगे अपनी। तो देखते जल्दी से जल्दी आप करवा देते हैं, तो ऐसे 500 हो जाएंगे तो हम अपनी गाड़ी की फ्रंट बिल्लों की फ्रंट वीडिंग डलवा लेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और बने रहो ऐसे ही प्यार देते रहो अपना, और बस सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलना, तो बने रहो अपने साथ।